हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो एक महत्वपूर्ण सूचना यहां पर मैं आपको देने आया हूं, जो कि है एसआई के फिजिकल को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है, उस परीक्षा कैलेंडर में आप अगर नीचे आएंगे तो पुलिस विभाग और गृह विभाग में जो एसआई की भर्ती आई थी उसके अनुसार जो फिजिकल होना था वो होना था आपका मई 2024 में। जैसे कि इसमें रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कई अभ्यर्थी जो कि आबकारी सिपाही परिवर्तन सिपाही के साथ साथ स्केलर्स में भी जो है अभी इस टाइम पे जो है स्केलर पे जो है फिजिकल चल रहा है जो कि जून तक चलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है इस दौरान तो एसआई का फिजिकल नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या उसके बाद होगा या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा। कैलेंडर के अनुसार तो सबसे पहले फिजिकल होगा, लेकिन आज जो एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि पहले फिजिकल होगा या फिर रिटर्न होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएगा। चलिए, आज एक बड़ी खबर आई है, वो ये आई है कि सभी वर्दी धारकों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अब समान होंगे। जैसे कि हमने एक खबर आपको बहुत पहले भी दी थी कि फिजिकल के मापदंड इतने ज़्यादा कठिन हो गए हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उसको पास नहीं कर पा रहे हैं, जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से विभागों को काफ़ी पद खाली रखने पड़ रहे हैं। इसीलिए कार्मिक विभाग आयोग ने कार्मिक विभाग को एक लेटर भी लिखा था और कार्मिक विभाग ने 7 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी की जो अध्यक्षता है आपने देखा होगा यहाँ पर रिद्धिम अग्रवाल की जो अध्यक्षता है उसमें ये 7 सदस्यीय कमेटी जो है सारा डिसीजन लेगी और 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और स्पेशली इसके बाद जो है एसआई का ही फिजिकल होना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो एक खबर आई है कि वो ये है कि इससे पहले पूर्व अपर मुख्य सचिव जो आनंद वर्धन है उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां पर ये डिसीजन लिया गया है कि सभी विभागों के लिए शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा के बाद आयोजित की जाएगी। यानी कि साफ साफ इस बैठक में डिसीजन ले लिया गया है कि भाई जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, इस रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी फिजिकल नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जितने भी विभाग हैं जिनको जिन पदों के लिए फिजिकल आवश्यक है वो अपना रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न में भी अगर उसके मार्क्स मतलब फिजिकल के मार्क्स जुड़े होंगे तो अब 100% नहीं 25% ही जुड़े जाएंगे। अगर क्वालिफाइंग मेजर है जैसे एसआई का तब तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागों के लिए शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा के बाद आयोजित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। तो इस वर्डिंग से आप समझ सकते हैं कि फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा। बाकी मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन छोड़े जाता हूँ, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये न्यूज़, सभी अभ्यर्थियों तक आप इसे ज़रूर फैला दीजिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। अदरवाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी नौकरी के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।